दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इनकी पूरी गहरी साजिश है जो धीरे 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 दिख रहा है, और अब हर जगह जाते हैं तो वो समझ में आता है। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करो और दिल्ली के हर नागरिक को परेशान करो। उनके सीवर की सफाई मत करो, उनके पानी का कनेक्शन काट दो, उनको पानी देना बंद कर दो, उनको पैसा देना बंद कर दो, जो सेंट्रल से फंड आता है वो रोक दो, हर चीज में परेशान करो, परेशान करो, परेशान करो। एक ही मकसद था इनका कि दिल्ली के हर एक नागरिक को, केजरीवाल जी को अरेस्ट करो और उसके बाद इनको परेशान करो, हर एक नागरिक को। पिछले 8 साल में, 2015 में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी दिल्ली के अंदर, हर तरफ केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है, हर तरफ दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है, हर तरफ जहां भी जाओ लोग कहते हैं यार बिजली फ्री देते हो, उसके बाद ही बजट भी तुम्हारा सरप्लस है, कोई घाटा नहीं, कोई लोन नहीं लिया। पानी फ्री देते हो उसके बाद भी बजट आपका सरप्लस है, कोई लोन नहीं, कोई घाटा नहीं। महिलाओं को बस फ्री चला रहे हो, शानदार बस चला रहे हो, इलेक्ट्रिक बस चला रहे हो, एसी वाली बसें चला रहे हो, फिर भी आपका बजट बिल्कुल सरप्लस है, कोई घाटा नहीं। फिर आप स्कूल इतने शानदार बना रहे हो कि आज दिल्ली के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे, 4 या 5 लाख से ज़्यादा बच्चे, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपना नाम कटवा के सरकारी स्कूलों के अंदर अपना नाम लिखवा रहे हैं, फरिश्ते स्कीम चला रहे हैं वहाँ कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो तो उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी उनको बचाने के लिए। दिल्ली के अस्पताल इतने शानदार कर दिए, 400 से 500 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए। पूरे देश में केजरीवाल मॉडल की चर्चा होने लगी, केजरीवाल मॉडल की चर्चा होने लगी, हर तरफ दिल्ली मॉडल की चर्चा होने लगी। खलबलाई सल्तनत इनकी, क्योंकि ये भी जाते थे लोग, इनसे भी पूछते थे कि यार केजरीवाल जी कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, स्कूल वो अच्छे बना सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बना सकते। तो इन्होंने पूरी एक गहरी साजिश रची। साजिश का पर्पस क्या था? एक फर्जी केस बनाओ, उसमें छापे मारो, इन्वेस्टिगेशन करो और पूरी पार्टी को डिरेल कर दो, इनके एक एक नेता को अरेस्ट कर लो। अस्पताल बनाया शानदार सतेंद्र जैन जी ने, अरेस्ट। स्कूल शानदार बनाए मनीष सिसोदिया जी ने, अरेस्ट। बहुत अच्छा बोलते हैं संजय सिंह जी, हर मुद्दे पे जवाब देते हैं, अरेस्ट। और खुद जो इनके पीछे रहकर दिन रात दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, उस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ही अरेस्ट कर लो तो सारा इनका मॉडल खराब हो जाएगा। पिछले 1 साल से 1.5 साल से दिल्ली को ये नरक बनाने में लगे हुए हैं। जो 8 साल का विकास था, पिछले 1 साल 1.5 साल में इन्होंने कोशिश ये की अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करके जेल में डाल के सारे काम डिरेल कर दो, लोगों को परेशान करो, एक एक दिल्ली वालों को परेशान करो। और हद तो तब हो गई, मुझे लगता है दुनिया में इतनी घिनौनी हरकत किसी पार्टी ने नहीं की होगी, किसी सरकार ने नहीं की होगी। दिल्ली के जो बुजुर्ग, जो केजरीवाल जी को अपना बेटा मानते हैं, जो केजरीवाल जी को कहते हैं कि वो हमारा बेटा है, वो हमारा ख्याल रखता है, उसने हमारे लिए अस्पताल बनाए, वो हमारे को पेंशन देता है, वो हमारी बिजली अच्छी रखता है, वो हमारी सड़कें बना के रखता है, इन्होंने उन बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। 5 महीने तक 2500 पेंशन आती है 1 महीने की, आप सोचो 5 महीने तक 60 साल के बुजुर्ग, 65 साल के बुजुर्ग, 70 साल के बुजुर्ग, 75 साल के बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, परेशान कर रहे थे उनको कि इनकी पेंशन रोको और फिर देखते हैं। तो केजरीवाल को अपना बेटा कहता है, देखते हैं कैसे तेरा केजरीवाल आता है, उसको तो जेल में डाल दिया हमने। जैसे केजरीवाल जी गए, सबसे पहले दिल्ली के बुजुर्गों के ऊपर इन्होंने हमला किया और उनका पेंशन रोक दिया। लेकिन केजरीवाल जी भी अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं, उन्होंने जेल में रहकर भी इनको घुटने टिकवा दिए कि
केंद्र सरकार ने घुटने टेके, भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके, प्रधानमंत्री मोदी ने घुटने टेके और कल जाके दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन रिलीज हुई। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, कई सारे बुजुर्ग मिले जो मेरे ऑफिस आते थे, घर आते थे कि बेटा पेंशन नहीं आ रही, फोन करते थे। कल बड़े खुश थे, बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे, बोले कि हमें केजरीवाल पे भरोसा है, वो हमारा बेटा है, जेल में है, कोई बात नहीं, जेल से जरूर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। प्रधानमंत्री जी को ये लगता है, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि केजरीवाल जी को जेल में डालकर विकास दिल्ली का रोक लेंगे, तो गलत फहमी में है वो। केजरीवाल जी आएंगे और जो 8 सालों में जो शानदार विकास हुआ उस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली को जो हमारा सपना है कि एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे, दिल्ली को एक शानदार शहर बनाएंगे, लोग प्राउड करेंगे। और जो दिल्ली में चिंगारी जगी, इससे पूरा देश के अंदर हर एक आदमी पूछेगा भाई कि हमारे तमिलनाडु में स्कूल क्यों नहीं अच्छे बन सकते। केजरीवाल जी आएंगे और वो सारा विकास फिर से शुरू होगा और बहुत तेज़ी से शुरू होगा और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से स्टार्ट होगा। मैं यही विनती करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि अब तो छोड़ दो ये गंदी राजनीति। आपको मौका दिया दिल्ली वालों ने, बहुत बार मौका दिया, 15 साल MCD में आपको दिया, बुरा हाल कर दिया था आपने पूरे दिल्ली का। तो आपसे यही विनती है कि लोकतंत्र में एक पार्टी को जनता ने मौका दिया, उसे काम करने दिया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके मन में यही है तो यही सही, लेकिन अब जल्दी केजरीवाल जी आएंगे और फिर से जो दिल्ली का सतत विकास है वो विकास चलना स्टार्ट हो जाएगा, उस पर तेज़ी से और तेज़ी से काम स्टार्ट हो जाएगा।